गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। सब कुछ एक नंबर चल रहा होगा। सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है इस रेलवे की अमेजिंग क्लास में, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे ग्रुप डी के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और साथ साथ में ये भी चेक करते हैं कि हमारी प्रोग्रेस क्या चल रही है। राइट, तो सभी का वंस अगेन स्वागत है। दिस इज अ स्पेशल क्लास फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड रेलवे। इसमें आज हम करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का एक पेपर सॉल्व और ये भी देखेंगे हम पिछले साल से कितना आगे आए हैं। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत स्वागत है। राहुल कुमार जुड़े हमारे सामने। यस, राहुल कुमार जुड़े हमारे सामने। हेलो राहुल, कैसे हैं भाई? बाकी सब लोग भी आ जाइए, फटाफट शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है भाई, चलो तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए, बिना रुके। देखो भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हाँ, ये अन एकेडमी पर बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर मुझे फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में लगभग लगभग 30% न्यूमेरिकल आ रहे हैं, चाहे वो मोशन का न्यूमेरिकल हो, इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल हो, या फिर किसी और पावर का न्यूमेरिकल हो। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल पार्ट रेलवे में लगातार बन रहे हैं और इनको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। गुड मॉर्निंग रुखसार, गुड मॉर्निंग चंदन, गुड मॉर्निंग चंदन गुप्ता, प्रिंस आर्या, सुमन, हरीश बजाज, हरी हरी नरेश, चंदन गुप्ता, अभिषेक लुखंडे, सभी को हेलो। ठीक है, तो अब यहां पर इस जो थ्योरी पार्ट है इसे कवर करने के लिए एक पूरा पूरा मॉड्यूल फिजिक्स का बना के मैंने डाल दिया है। आप अनएकेडमी पर जाइए, वहां पे मुझे फॉलो करिए और आपको ये मॉड्यूल वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, करना कुछ भी नहीं, अनएकेडमी पे जाना है, आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है एसएससी, उसके बाद योगेंद्र सिंह सर्च करना है। योगेंद्र सिंह सर्च करते हुए आपके पास दो आएंगे ऑप्शन, एक में योगेंद्र, एक में लिखा होगा योगेंद्र सिंह चौहान, दूसरे में योगेंद्र सिंह चौहान। फिर पीछे की तरफ जाएंगे, ऑल देखेंगे तो योगेंद्र सिंह आ जाएगा। मेरी ये इस तरह की पिक्चर वहां पे लगी होगी, तो ये मॉड्यूल जरूर फॉलो करें, जरूर एनरोल करें। ठीक है, हेलो भूषण, हेलो ऋतिक, हेलो शुभम, हेलो सुमन, सभी को हेलो। शुभम सिंह, नीतु भांतु, और सभी लोगों को नमस्कार। ठीक है भाई, चलो बिना टाइम गवाए हम सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। अब देख करना है कि आपको एसएससी एग्जाम में गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, उसके बाद अपने हिसाब का कोई प्लान चूज कर सकते हैं। ये प्लान आपको सबसे सस्ता पड़ता है अगर आप 24 महीने के लेते हैं, तो ये ₹300 पर महीना पड़ेगा और योगेंद्र मेरा कोड है जिससे आप इसे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को एकदम बेसिक से पढ़ना है, एकदम शुरुआत से पढ़ना है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, है ना, पावर क्या होती है, करंट क्या होती है, साइंस बहुत खराब है, आर्ट साइड से है, कॉमर्स साइड से है, बायोलॉजी साइड से है, उनके लिए ये मॉड्यूल मैंने बना के तैयार कर दिया है। तो ये एकदम थ्योरी है, इसमें कुछ भी भीड़ भाड़ नहीं है, आराम आराम से कल थ्योरी बताई जाएगी, एमसीक्यू बेस्ड नहीं है ये वाला। ठीक है भाई, चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मेरी दो क्लास होती है, सुबह एक क्लास होती है अनएकेडमी प्लस पर, प्लस एजुकेटर, तो ये एक क्लास अनएकेडमी प्लस पे होती है और दूसरी क्लास शाम को 4 बजे होती है आरआरबी एनटीपीसी लेट्स क्रैक पर, और आप देख रहे हैं शाम वाली क्लास। ठीक है, जिन बच्चों ने मुझे हेड दिया थैंक यू सो मच, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनएकेडमी। चलो भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यार आप लोग ना शेयर नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। नेहा, निशु, नीतु, ऋतिक, भूषण, सभी लोग भाई एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दिया करो यार, है? शेयर करने से आपके पैसे नहीं कटेंगे, इसकी गारंटी हमारी। ठीक है, हो सकता है पैसे बढ़ ही जाए। और अनएकेडमी पर एक क्विज होने वाली है जिसमें आपको 50,000 तक का अमेज़न पे गिफ्ट मिल सकता है टॉप 50 लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। हाय नारायण नरेश कह रहे हैं, इफ यू डोंट माइंड ऑल ऑफ यू, ग्रुप डी इज नॉट अ गुड जॉब, वेरी हार्ड टू सर्वाइव, आई एम द विक्टिम। बिल्कुल सही कह रहे हैं हरी नरेश नरेश, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ 100%। लेकिन जहाँ पर लोगों के पास कोई जॉब ही नहीं है, आप जानते हैं कि किस तरीके से बहुत बुरी हालत चल रही है गवर्नमेंट सेक्टर की, लगातार वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। 2018 की वैकेंसी 2020 में कंप्लीट होती है, 2017 की वैकेंसी का, 2017 का जो नोटिफिकेशन है 2020 में उसका कॉल लेटर आता है। तो ऐसे केसेस में कोई ना कोई जॉब होना बेटर है, वहां पे जाइए फिर वहां पे तैयारी करिए, जैसा कि आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई, अच्छा दोस्त अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो अगर हम बात करें कि भाई रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है जो कि पदार्थ पर
पदार्थ किस प्रकार का है उस पर निर्भर करती है, ये इसकी लेंथ है, ये इसका एरिया है। रो मतलब पदार्थ पे निर्भर कर रहा है, ये लंबाई पे निर्भर कर रही है, तो लंबाई भी हो सकता है, लंबाई भी भाई बड़े उसको अफेक्ट करेगा, पदार्थ भी करेगा, क्षेत्रफल भी करेगा, लेकिन दबाव नहीं करेगा। तो सी विल बी द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक भाई, तो सी आंसर सही होगा। शुभम ने आंसर सही दिया है, अशोक ने सही दिया है, नेहा ने आंसर सही दिया है, नीशु कुमार ने सही आंसर दिया, बहुत से बच्चों ने आंसर सही दिया। आपको याद रखना है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है। सेम टू सेम कल एक क्वेश्चन सिचस में पूछा गया, सेम टू सेम। और रेलवे में भी कल मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के तीन नियम है, पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम अगर संवेग में परिवर्तन होता है तो वो एक बस एक चीज के समानुपाती होता है, और तीसरा नियम अगर आप किसी को मुक्का मारते हैं तो वापस वो आपको मुक्का मार सकता है, मतलब एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अगर आप प्लीज इन इंग्लिश ऑप्शन, ठीक है भाई इंग्लिश में आपको दे दूंगा मैं, बस एक मिनट रुक जाओ मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं सारा। ठीक है, तो ये हो गया अप्लाइड फोर्स, दिस इज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड प्रेशर, दिस इज अप्लाइड फोर्स, ये जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है और ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? अब देखो होता क्या कि मैंने आपको बताया कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी टी ऑफ एम बी होता है। अब इतने हैवी भाषा लिख दी है मैंने, आपको भी सर क्या आईआईटी पढ़ा रहे हो? भाई मैं आईआईटी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन यही डेफिनेशन है। डी अपॉन डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हैं इसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अभी देखो चमत्कार करता हूं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने एम बाहर कर दिया क्योंकि मास कभी नहीं बदलता, मास समान रहता है। ठीक बात, मास कभी नहीं बदलता है, मास समान रहता है, तो हमने ये क्या किया, एम बाहर करते लिख दिया डीवी अपॉन डीटी। और आप सभी सज्जनों को, सभी जो है हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं, सबको पता है कि वेलोसिटी में जब चेंज होता है तो इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां से निकल के आ गया एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, वैसे तो यहाँ के भी आएगा लेकिन उसे हम वन मान लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू एम ए आ जाता है, जो कि फॉर्मूला होता है फोर्स का। राइट आंसर क्या बनेगा? ये दूसरा नियम है। राइट आंसर क्या बनेगा? बी विल बी द राइट आंसर। सबका आंसर सही है, किसी ने भी आंसर इसका गलत नहीं दिया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि 30 किलोग्राम की एक वस्तु है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की आरंभ गति से चल रही है, यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का एक बल लगाया गया तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा। बढ़िया प्रश्न है, एक बढ़िया न्यूमेरिकल यहाँ पे एसएससी ने आपके सामने डाल दिया है, बताओ आंसर क्या बनेगा। राज कह रहे सर हिंदी मीडियम से पढ़ो। अच्छा राज, हिंदी इंग्लिश दोनों तो लिखी हैं यार, देखो ना यहाँ पे ध्यान से, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखी हुई हैं। ठीक है भाई, और लाइक जरूर कर दो सब लोग। तो अभी आंसर किसी का आया नहीं, शुभम गोंड कह रहे हैं सब लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई, चलो कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है? समय निकालना है, कितना समय लगेगा। एक गोल्डन फॉर्मूला जो हर जगह फिट हो जाता है, F is equal to m into v minus u upon t। बोलो ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार लिखा है कि नहीं लिखा है? बहुत बार फॉर्मूला लिखा है। वेद प्रकाश, हेलो वेद प्रकाश। गोल्डन फॉर्मूला इज F is equal to v minus u upon t। अब जरा देखो कि ये चीजें यहाँ पे फिट हो रही कि नहीं हो रही। तो देखो क्या क्या दे रखा है, हमें मास दे रखा है 30 kg, आरंभिक गति से चल रही है तो हमें u दे रखा है कितना, 20 meter per second, और चूंकि आगे जाके ये रुक जाएगी, रुकेगी, तो अगर रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और हमें क्या निकालना, फोर्स हमें दे रखा है 60 न्यूटन, हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। जरा ध्यान से देखो ये सारी चीजें फिट हो पा रही कि नहीं हो पा रही, ये सारी चीजें यहां पर फिट हो जा रही है। शुभम सिंह ने और वेद प्रकाश ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। तो जरा हमने यहां पर रखा, ये यहां पर रख दिया मैंने, ये हो गया हमारा 60 सेकंड, सॉल्व कर रहा हूं मैं, जरा देखते चलना। ये हो गया 60 सेकंड बराबर, मास कितना दे रखा है 30 kg, तो मैंने यहां 30 लिख दिया।
फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 माइनस यू कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय टी। ठीक है भाई, अब जरा इसे सॉल्व करेंगे हम तो टी बराबर हमारे कितना हो गया, तो टी बराबर देखो यहां 30 दूनी 60, ये दो बार कट गया, ठीक है 30 दूनी 60 ये तो सीधे सीधे दो बार कट गया, तो ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे 2t बराबर आ गया 20 सेकेंड, तो t बराबर कितना आ गया माइनस का 10 सेकेंड, और माइनस क्यों है क्योंकि वो डी एक्सेलरेशन होता है। राइट आंसर कितना बनेगा 10 सेकेंड विल बी द राइट आंसर। अब देखो नेगेटिव मैंने क्यों नहीं लगाया है ये भी आप समझते चलना, नेगेटिव मैंने क्यों नहीं लगाया है ये भी आप समझते चलना। कोई कह रहा है 600 सेकेंड हो गया, 600 कैसे होगा नीशु, क्या कर रहे हो गड़बड़ी कर रहे हो, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आ गया, डी विल बी द राइट आंसर, बात समझ में आ गई। बढ़िया प्रश्न था, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जो कि आपसे पूछा जा सकता है। देखो आप कहने के लिए ग्रुप डी है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है सिर्फ कहने के लिए ग्रुप डी है लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है। चलो आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, एवोगैड्रो संख्या को किससे निरूपित किया जाता है। कल के क्वेश्चन में एवोगैड्रो नंबर पूछा था, जरा मुझे एक चीज बताइएगा, सुबह की मैंने क्लास में थ्योरी वाली क्लास में पूछा है, आपको बताना है 48 ग्राम मीथेन गैस में अणुओं की संख्या, देखते कौन बता पाता है अणुओं की संख्या। एवोगैड्रो के टर्म में बताना है 48 ग्राम मीथेन गैस में कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी। बढ़िया प्रश्न है बहुत, और ये रेलवे में पूछा गया है। भाई मेरे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 × 10⁻²। ये एवोगैड्रो नंबर है, मतलब ये कहता है कि एक मोल में इतने एवोगैड्रो नंबर्स के परमाणु होते हैं और अणु होते हैं, एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मोल में 6.023 × 10⁻², अणु और परमाणु होते हैं, और रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, बी विल बी द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा है कि 48 ग्राम मीथेन गैस में अणुओं की संख्या कितनी होगी, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है CH4, और मोल का मतलब होता है मॉलिकुलर मास, क्या होता है किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिकुलर मास होगा वो एक मोल के बराबर होगा। अच्छा मीथेन का मॉलिकुलर मास कितना होगा, तो कार्बन का हो गया 12, सबको पता है ना कार्बन का मॉलिकुलर मास 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 4, एक हाइड्रोजन का एक तो 4 हाइड्रोजन का 4, भाई हाइड्रोजन का कितना होता है एक होता है, और 4 हाइड्रोजन यहां पे लगी हुई है तो कितना हो गया 4 हो गया, तो दोनों को जोड़ 12 + 4 कितना हो गया 16, मतलब हम ये कह सकते हैं भाई मेरे कि एक मोल में 16 ग्राम मीथेन गैस पाई जाती है, एक मोल में 16 ग्राम मीथेन गैस पाई जाती है, और हमें कुल कितनी मीथेन गैस दे रखी है 48 ग्राम मीथेन गैस दे रखी है, तो हम ये कहेंगे कि 48 ग्राम में कुल कितने मोल बनेंगे, तो आप कहोगे सर 4 मोल बनेंगे। अच्छा 4 मोल का मतलब कितना हो गया 4 एन नॉट के बराबर, मतलब टोटल अणुओं की संख्या कितनी हो गई, तो हम कहेंगे टोटल अणु जो बनेंगे वो हमारे हो जाएंगे भाई मेरे 4 एन नॉट। अब एन नॉट का मतलब क्या है 3 एन नॉट, दिस इज बिल्कुल 3 एन नॉट, क्या बता रहा हूं मैं, 16 + 32 = 48, ठीक है 3 एन नॉट बनेंगे। हाँ ठीक है, यूएसएसआर ने सही आंसर दिया है, तो 3 एन नॉट सही आंसर बन जाएगा, समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई करो 6.023 से तो 18 हो जाएगा, अप्रोक्स 18 के अराउंड में आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं या फिर समझ में आ गई बात, बताओ जरा, एक क्वेश्चन और दूं या फिर बात समझ में आ गई है। चलो एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, बताओ जरा 64 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कुल कितने अणु बनेंगे, 64 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में
ऑक्साइड में कुल कितने अणु बनेंगे? क्लियर है? बताओ भाई पहले। गुड इवनिंग प्रत्युष। हाँ बिल्कुल हेल्पफुल होगी प्रत्युष, ये क्लास सीएचएसएल के लिए भी बिल्कुल हेल्पफुल होगी। ठीक है, शुभम कह रहे सर फिर से समझा दो। शुभम भाई मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझा देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं अगर नहीं समझ में आया आप टेंशन ना लो, मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है भाई, इसको मैं मिटा दूँ एक बार। चलो भाई देख कैसे बनेगा, सबको समझ लो। ठीक है, पूरा स्पेस कर दिया मैंने खाली। एक मोल का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का मॉलिकुलर मास, किसी भी कंपाउंड का मॉलिकुलर मास। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। अगर मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है शुभम, तो कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो अगर ये 16 होता है तो 16 में मैंने 2 का गुणा कर दिया। क्यों मैंने 2 का गुणा करा ये समझना, क्योंकि 2 ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है। अच्छा ये तो 12 ही रहा और ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 16 दूनी 32, 32 और प्लस 12 कितना हो गया? 44। कितना हो गया? 44। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम मॉलिकुलर मास होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड में 44 ग्राम मॉलिकुलर मास बनता है, ये बात आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी। अब उसने कितना पूछा? 64 ग्राम। तो हम यही तो कहेंगे कि ये एक मोल के बराबर है, एक मोल के बराबर। तो एक ग्राम में कितने मोल होंगे? आप कहोगे 1/44 मोल होंगे। तो 64 ग्राम में कितने मोल होंगे? आप कहोगे 64/44 मोल होंगे। क्लियर है? कितने बार गया? 4 से करेंगे तो 16 चौके 64 और 11 चौके 44, मतलब 16/11 मोल बन रहे हैं। और एक मोल में कितने अणु होते हैं? एन नॉट के बराबर अणु होते हैं, मतलब ये हो गया 16/11 एन नॉट। यही आंसर सही बनेगा। यूएस आसान ने सही आंसर दिया था, दीपिका मिश्रा, हेलो दीपिका भाई। ठीक है, 16/11 का सही आंसर बनेगा, एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया। समझ में आ गई बात? आगे चलें, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऑक्सीजन का अणु जो होता है उसमें कौन सा बॉन्ड लगा होता है? ऑक्सीजन का अणु, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कुल कितने हैं? हाँ हेलो दीपिका, मैं चलो भाई तो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2, 2, 4 और 2, 6। दूसरा ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 और 2, 6। अब मुझे एक चीज बताओ कि इस वाले ऑक्सीजन को कितने कितने भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। मतलब ये दोनों क्या करेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे तो ये भी 8 हो गया भाई और ये भी 8 हो गया भाई। बचपन में ऐसा सुना था, पढ़ा होगा आपने, ऐसा मास सब बनाया करते थे, फिर हम बड़े परेशान रहा करते थे, पता नहीं क्या क्या बना के चले जाते। तो भाई ये हो गया ओ डबल बॉन्ड, ओ मतलब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और दोहरा बॉन्ड बन रहा है, राइट आंसर पहला वाला बन जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये भी क्या बनेगा? संयोजक बॉन्ड बनेगा। अब मैं एक जनरल चीज आपको बता देता हूं, हमेशा याद रखना, अगर कोई सिंगल एलिमेंट है तो वो हमेशा और हमेशा क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जितने भी ट्रिपलेट होते हैं, डबलेट होते हैं, वो हमेशा क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मैंने कहा H2, ये भी क्या बनाएगा? ये भी भाई सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, डबल बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे चले अगला प्रश्न। कंडालेरु बांध कहां पर स्थित है? कंडालेरु बांध कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में है, ठीक है, केरल में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में, कहां जगह पर कंडालेरु बांध स्थित है?
बताओ जरा फटाफट। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, ए आंसर दे रहा है। हाँ जीडी के लिए सही है क्लास, ठीक है सभी एग्जाम्स के लिए है कॉमन। मोस्टली चीजें मैं जनरल करके बताता हूँ, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड नहीं होता, बहुत सारी चीजें साथ में लेके चलता हूँ। ठीक है भाई, देखो केरल से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, सीजीएल के पेपर में पूछा गया है ना। और केरल से क्या पूछा गया, कार्डमम की पहाड़ियां। केरल से क्या पूछा गया, यहाँ पे ओणम मनाया जाता है, केरल के सीएम का नाम भी पूछा जा सकता है, केरल मसाला और मसालों के चित्र में पहले नंबर पे आता है, केरल एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में पहले नंबर पे आता है, पूरे भारत में सबसे अच्छी ग्रोथ केरल की ही हो रही है। तो केरल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पद्मनाभ स्वामी का मंदिर भी कहाँ पे, केरल में है। अच्छा केरल में दो डांस नृत्य भी पूछे जा सकते हैं, एक तो है एक तो है कौन कौन सा, एक तो है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल के एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, लोक नृत्य है। राजा रवि वर्मा एक बहुत बड़े चित्रकार थे जो केरल से बिलोंग करते थे। तमिलनाडु, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डांस पूछा जा सकता है, ठीक है कौन सा डांस है, भरतनाट्यम डांस है, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक, कर्नाटक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कर्नाटक में बीजापुर है, यहाँ पे गुलाकोंडा है, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कंडालेरु बांध स्थित है, राइट आंसर क्या बनेगा, डी विल बी द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में कंडालेरु बांध स्थित है। अच्छा आंध्र प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें, अमरावती, आप सबको पता है हैदराबाद अमरावती अलग अलग राजधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है जगन मोहन रेड्डी, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की थी, जिन भी योजनाओं में YSR लगा हुआ है आप समझ लो वो योजना जगन मोहन रेड्डी की है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जगन मोहन रेड्डी एक बिल लेके आए थे जिसका नाम था दिशा बिल, अगर किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी शिकायत होती है तो जल्दी से जल्दी उसका निपटान करते थे इस बिल के द्वारा, और अगर रेप हो गया है और अगर उसकी उम्र 16 साल से कम है तो फांसी की सीधे सीधे सजा होगी। जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश की बात चल रही है, ठीक है। बुलेट वाला न्यूमेरिकल बताइए ना सर, अभी आगे जाके बताऊंगा मैं यूएसए, सर टेंशन ना लो, अभी आगे जाके बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। अच्छा कर्नाटक का एक यक्षगान भी इंपॉर्टेंट है ना, यक्षगान भी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर। कंडालेरु बांध कहां पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन पूछा गया है चूरवा परियोजना, देखते कौन बता पाता है। चूरवा परियोजना, चूरवा परियोजना किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और भूटान, इन दो देशों के बीच में एक परियोजना है जिसका नाम है चूरवा परियोजना। एक क्वेश्चन और बना है मैटूर डैम, क्या पूछा गया, मैटूर डैम, मैटूर बांध, सॉरी डैम और बांध कहां पे, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि या फिर रेजोनेंस, इको, प्रतिध्वनि या फिर इको किसके कारण से सुनाई देता है, रेजोनेंस के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के कारण, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव के कारण। बढ़िया प्रश्न है। देखो भाई होता क्या है कि कभी कभी आपने देखा होगा कुएं में अगर हम हेलो बोलते हैं तो कुएं के अंदर से भी हेलो की आवाज आती है, बचपन में तो बड़ा मजा आता था, अरे वाह वाह कुआ भी बोल रहा है हेलो, हम बोलते थे आई लव यू, कुआ भी बोलता था आई लव यू, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, वो एक्चुअली में इको है। अच्छा इको तभी होता है जब ये मान लो कोई व्यक्ति है, कोई भी है, मान लो जो है निशु है, और इन्होंने साउंड प्रोड्यूस की, ये साउंड आगे जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक बड़े सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, और जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए तभी वो इको करेगा, अदरवाइज इको ही नहीं करेगा। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, सी विल बी द राइट आंसर। किसके कारण हो रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण ऐसा हो रहा है, आपको ये चीज याद रखनी है। अच्छा हमारे कानों पर ध्वनि कितनी देर तक सुनाई देती है दोस्तों, तो 1/10 सेकंड तक सुनाई देती है। कितने सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक कोई भी ध्वनि हमारे कानों पर सुनाई देती है, 17 मीटर, 1/10 सेकंड, दो चीजें आपको याद रखनी है। और एक क्वेश्चन और है, रात में आवाज बहुत तेज सुनाई देती है, रात में आवाज बहुत ज्यादा तेज सुनाई देती है, क्या कारण है, क्योंकि ध्वनि का रिफ्रेक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना वो बड़ा आसान हो जाता है, ज्यादा दृढ़ तक हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ध्वनि रात में तेज इसलिए सुनाई देती है क्योंकि रात में ध्वनि का रिफ्रेक्शन काफी दूर तक होता है, ठीक है भाई। आगे चलें,
दीपा कह रही सर ये क्या है ये हार्ट है भाई चलो भाई दैट इज दिस दैट शुड नॉट बी टेकन सीरियस ऐसे चलता रहता है चलो भाई पेमा द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है पेमा मतलब एक आइलैंड है और ये जो आइलैंड है ये दक्षिण अफ्रीका से थोड़ा नजदीक में है दक्षिण अफ्रीका से थोड़ा नजदीक में है अच्छा हम बाकी ऑप्शन के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल चावल के मामले में पहले नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल को हम चावल का कटोरा भी कहते हैं भाई कॉफी की अगर हम बात करें तो कर्नाटक पहले नंबर पर आता है केरल पहले नंबर पर आता है गेहूं की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और पंजाब गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पे आता है वही सोयाबीन की और दलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है अगर हम कपास की बात करें तो विदर्भ का क्षेत्र मतलब महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों के लिए वो चीजें प्रसिद्ध होती है ठीक भाई अब वो क्या रहा है कि पेम्बा जो आइलैंड है ये कहां पे मैंने अभी आपको बताया ये आप देख सकते हैं ये तंजानिया है और ये जो है वो आप ये है पेम्बा आइलैंड ठीक है ये किसके लिए प्रसिद्ध है लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट है लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है बिल्कुल सही है निशु सही बता रहे हैं रोबस्टा जो है कॉफी कर्नाटक से रिलेटेड है हाँ बिल्कुल बिल्कुल आगे चले भाई अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइड श्रृंखला का तत्व है लेंथेनाइड श्रृंखला का जो 58 वाला एलिमेंट है इसका नाम क्या है इसका नेम पूछ रहा है वो तो देखो लेंथेनम तो होगा नहीं क्योंकि लेंथेनम 57 होता है थोरियम थोरियम हाइब्रीमेटिक में आ जाता है इसका तो आपको पता है 92 होता है तो थोड़ा सा आप इलिमिनेट भी कर सकते हो ये कितना होता है 92 एटॉमिक नंबर होता है तो ये नहीं हो सकता अब ये नहीं हो सकता अब दो ही ऑप्शन बचते हैं या तो स्ट्रॉन्शियम होगा या फिर सीरियम होगा इंग्लिश में दिस इज स्ट्रॉन्शियम दिस इज सीरियम दिस इज थोरियम एंड दिस इज लेंथेनम ठीक है भाई हो गया इंग्लिश चलो बताओ आंसर ओके राइट आंसर बनेगा सीरियम सीरियम विल बी द राइट आंसर देखो कैसे राइट आंसर है ये देखो ये है सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है कहां पे है ये है हमारा लेंथेनम 57 वाला 57 जो दिख रहा है दिस इज लेंथेनम और ये इसके जस्ट बगल में क्या है दिस इज सीरियम अच्छा यूरेनियम कहां पे है तो ये देखो नीचे एक्टिनाइड की सीरीज में यूरेनियम आ जाता है नेपच्यूनियम नेपच्यूनियम कहां पे है एक्टिनाइड की सीरीज में ये आ जाता है प्लूटोनियम कहां पे ये आ जाता है ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है यूरेनियम नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम तीनों ही परमाणु हथियार बनाने के काम में आते हैं और तीनों के तीनों कहां पे एक्टिनाइड सीरीज में अच्छा मैडम क्यूरी के नाम से भी एक एलिमेंट है मैडम क्यूरी के नाम से भी एक एलिमेंट है कहां पे एक्टिनाइड में क्यूरियम ये देखो 96 पे आता है क्यूरियम जितने मैं बता रहा हूं ये सब पूछे गए हैं याद रखना यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 नेपच्यूनियम का 93 प्लूटोनियम का 94 क्यूरियम का 96 ठीक भाई और एक और इंपॉर्टेंट है कैलिफोर्निया के नाम से भी एक एलिमेंट है जिसका नाम है कैलिफोर्नियम ये 98 पे आता है 98 पे आता है ठीक है आप नीचे की सीरीज देखेंगे सब किसी ना किसी साइंटिस्ट का नाम होगा अगला प्रश्न सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था इन विच ईयर वॉज द एक्ट पास्ड टू बैन द सती प्रैक्टिस सती प्रैक्टिस को प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में पारित किया गया था तो देखो भाई अगर सती प्रथा की बात आए तो आपको याद रखने हैं दो व्यक्तियों का नाम सबसे पहले व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये राजा राम मोहन राय सती प्रथा दूसरी जो व्यक्ति हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक है दो व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक अच्छा इन दोनों ने मिलकर 1928 में एक बड़ा आंदोलन चलाया जिसके बाद
1829 में एक बिल आया, 1829 में एक बिल आया जो कि सती प्रथा के प्रैक्टिस को कंप्लीटली बैन करता था। राइट आंसर क्या बनेगा? 1829 विल बी द राइट आंसर। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, हरीश नरेंद्र ने सही आंसर दिया है, शुभ और जो है निहा ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ये बनेगा। अच्छा मुझे एक चीज और बता दो भाई, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए किस व्यक्ति का नाम लिया जाता है? ऐसे कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया है? तो इनका नाम है, इनका नाम क्या है? विद्यासागर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत जरूरी है, तो ये आपको याद रखना है, सॉरी मैंने बता दिया, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहली बार ऐसे कौन से गवर्नर थे जिन्होंने दास प्रथा पर रोक लगाई थी, तो लॉर्ड एलन बैरो, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इनमें से ऐसी कौन सी कोशिका होती हैं जो पतली के साथ साथ जिनकी जो सेल वॉल है वो काफी पतली पतली सेल वॉल रहती हैं? ईश्वरचंद विद्यासागर। हाँ भाई समझ लो यार, आप पूरा इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद पूरा लिखेंगे क्या? चलो अगर हम बात करें, तीन तरह की कोशिकाएं होती हैं, टिश्यू होती हैं, कोशिका भित्ति होती हैं। सबसे पहला स्क्लेरेन्काइमा, ये लिखा है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। दूसरा है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। तीसरा है कोलेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम। इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है भाई मेरे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पौधों को कठोरता कौन प्रदान करता है, तो आप कहोगे स्क्लेरेन्काइमा। रेलवे का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ भाई दीपा टेस्ट भी दो। इसके बाद पैरेन्काइमा, पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो फ्लोट करती हैं, किसके कारण? पैरेन्काइमा के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपने देखा होगा इनके बीच का जो जो स्पेस है काफी ज्यादा होता है और इसी स्पेस में एयर फिल होती है, और जब इसी स्पेस में एयर फिल होती है तो इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो काफी ज्यादा हो जाता है। कोलेन्काइमा का क्या कार्य है? कोलेन्काइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं, लचीलापन प्रदान करते हैं। और फ्लोइंग का क्या कार्य होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पतला कौन सा है? तो पैरेन्काइमा इज द राइट आंसर, बी आंसर सही है। किसी ने दिया है सर? कुछ लोगों के पास क्वेश्चंस पहले पहुंच जा रहे हैं, कुछ के पास बाद में, कैसे? शुभम सिंह, इंटरनेट अगर आपका बहुत फास्ट चल रहा है तो भाई आपके पास जल्दी क्वेश्चन आ जा रहा होगा, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने वहां पे लाइव बटन नहीं दबा रखा, आप पीछे चल रहे हो, तो वहां पे जो देखो लाल कलर का लाइव बटन आ रहा होगा उसको दबा दो। अगर वो लाइव हो गया है, अगर लाइव के बगल में रेड रेड दिख रहा है तो मतलब आप लाइव हो, अदरवाइज आप पीछे हो, ठीक है शुभम। हाँ क्रिएटिव निहा ने सही आंसर दिया है, बी बी द राइट आंसर। 20 किलोवाट के इंजन के द्वारा 10 सेकंड में अधिकतम कितना कार्य किया जाएगा? बताओ जरा आंसर कितना बनेगा। कार्य बराबर समझ रहे हो? कार्य बराबर होता है अगर हम शक्ति का गुणा कर दे समय से, तो ये कार्य आ जाएगा, मतलब वर्क इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, दिस इज वर्क। अच्छा वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी होता है। अच्छा वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये सभी के सभी डेफिनेशन वर्क को रिप्रेजेंट करती हैं, कार्य को रिप्रेजेंट करती हैं। और रेलवे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनता रहता है, कभी वो वर्क में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का बता देगा न्यूमेरिकल, कभी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का बता देगा, कभी वर्क इन टाइम का बता देगा, तो कोई भी पूछा जा सकता है, आपको सब कुछ याद रखना है। पहला वाला फॉर्मूला लग जा रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, हमने पावर को मल्टीप्लाई टाइम से कर दिया, पावर हमारी कितनी है 20 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो ये हो गया 200 किलोवाट। बात खत्म हो गई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है,
डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। वर्क इनटू टाइम करेंगे सीधे सीधे हमारा पावर, सॉरी पावर इनटू टाइम करेंगे सीधे सीधे हमारा वर्क आ जाएगा, क्लियर है। इतनी बात आपके दिमाग में चल रही है, आगे चलें भाई अगला प्रश्न। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड चंपारण। चंपारण इज प्रेजेंटली लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, किस भारतीय राज्य में ये है चंपारण। तो भाई चंपारण में क्या होता था पहले कि एक प्रथा चलती थी जिसे कहते थे तीन कटिया प्रथा। अब ये तीन कटिया प्रथा क्या थी कि भूमि के, अगर आपकी भूमि 20 है तो उसके तीन भाग पर आपको नील की खेती उगानी पड़ेगी, जिसे जिसे खरीदने का कार्य अंग्रेज करेंगे। लेकिन यूरोप के बाजारों में जब आर्टिफिशियल नील आ गई तो भारतीय बाजारों में नील की जो डिमांड है वो कम हो गई, और जब भारतीय बाजारों में नील की जो डिमांड है वो कम हुई तो जितने भी किसान थे उनके लिए ये एक मुनाफे का सौदा नहीं रह गया, और ऐसे केसेस में अब वहां के जो किसान थे उससे छुटकारा पाना चाहते थे, जो कार्य किया महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण का आंदोलन चलाया, और फिर वहां से ये जो सिस्टम था तीन गठिया प्रथा थी ये बंद हो गई, बैन हो गई। अच्छा ये है कहां पे, तो ये है बिहार में। राइट आंसर कौन सा बनेगा, सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन है कि नील की खेती पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है नील दर्पण। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि नील दर्पण किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो किताब है नील दर्पण वो लिखी गई है दीन बंधु के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद रखना। इसके बाद महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल का आंदोलन उठाते हैं, खेड़ा का आंदोलन उठाते हैं, फिर असहयोग आंदोलन उठाते हैं 1920 में, उसके बाद 1929-30 में जाते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन, फिर आगे जाते हैं तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी की कौन कौन से आंदोलन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार सीजीएसएल में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है गांधी जी के आंदोलन के द्वारा, ठीक है भाई। हाँ दीनबंधु मित्र राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे भाई गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कितना होता है 1/2 mv². अगर मैं वेलोसिटी को दुगना कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/2 m × 2v². अच्छा 2v² मतलब कितना हो गया 1/2 m × v² × 4, भैया कितना हो गया 4 गुना, बात खत्म हो गई। अगला प्रश्न, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो ये किसके कारण रुक सकती है। मान लो एक भाई क्रिकेटर है, इन्होंने गेंद मारा, बल्ला मारा, गेंद जा रही है सरफेस पे जा रही है ना, अपने आप ही जा रही है जा रही है जा रही है, आगे जाके रुक गई। अब किसी ने रोका क्या इसको, बिल्कुल नहीं रोका, किसी ने बल थोड़ी लगाया है, वो अपने आप ही जाके रुक गई है। किसके कारण रुकी है, गति के कारण, तनाव के कारण, वेग के कारण, या फिर फ्रिक्शन के कारण मतलब घर्षण के कारण। जरा आंसर दीजिए, बस एक मिनट में मैं आया। यस बताओ क्या बनेगा आंसर, हाँ घर्षण के कारण आ रहा है। दीप्ति सुलका, बलराम फनी बॉयज, ए बी तबला, एम ए बलराम हेमराम, सभी लोगों ने आंसर सही दिया, क्वेश्चन फॉर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो यौन संक्रमण की बीमारी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, गोनेरिया, वॉट, कैंडरेसिस और सिफिलिस। तो देखो भाई अगर हम जब भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की बात करें तो आपको इसे हम कहते हैं STD, ये बहुत सारी बीमारी होती है जिसमें सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है एड्स, जो हमारे सोलर सिस्टम मतलब हमारी WBC सेल को नष्ट कर देती है।
अच्छा भाई मेरे, अब वो कह रहे हैं कौन सी बीमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, तो देखो गोनेरिया बिल्कुल एक बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है ना, मसे भी होती है, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है, लेकिन कैंडिलिसिस नहीं है। ये जो बीमारी है ये एक कैंडलिया नामक एक फंगाई के कारण पूरी हमारी बॉडी पर फैल जाती है। तो ये देखो आप चेहरे पर, जीन में, पैरों में, हाथों में, ये पूरा का पूरा छाले पड़ जाते हैं, सड़ने लगती है, स्किन निकलने लगती है, इसे हम कैंडियालिसिस कहते हैं, कैंडिडिसिस कहते हैं। राइट आंसर इसका सी बनेगा, ना कि बी। ठीक है माला, सी आंसर सही बनेगा, नहीं है। ध्यान से देखो कौन सी बीमारी यौन से संक्रमित नहीं है, तो बनेगा भाई सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, प्रॉपरली इसको चेक कर लेना अगर कंफ्यूजन है। बाकी तीनों की तीनों बीमारी सिफिलिस, गोनेरिया और मैसे, ये तीनों बीमारी उसी से होती है। अगला प्रश्न, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई? ये भाई आपने देखा होगा जैसे आप गूगल पे करते हैं, है ना, फोन पे करते हैं, तो ये सारे के सारे जो गूगल पे फोन पे वगैरह हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये एनपीसीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ताकि कोई फ्रॉड ना हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक आदमी फोन करता है, हेलो सर आपने 5,000 रुपए जीते हुए हैं और जो है हम आपको पैसे भेज रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट करिए, पता पड़े कोड भेज दिया। अब फिर क्या कहेगा कि सर एक काम करिए आप कोड को स्कैन करिए। आजकल बहुत हो रहा है फ्रॉड, मैं आपको बिलीव नहीं करूंगा, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा कॉल आ जाता है कि सर आपने 5 लाख का इनाम जीता है, सर आपने इतने रुपए का इनाम जीता है, हम आपको, अब हमारे बढ़िया कस्टमर हैं सर, आप हम आपको जो है मर्सिडीज गाड़ी दे रहे हैं। तो हम तो भाई यही कहते हैं तुम एक काम करो खुद ही रख लो मर्सिडीज गाड़ी, हमको ना चाहिए, अब अपनी गाड़ी आपकी हमारे पास खुद ही है, आप टेंशन ना लो। तो देखो अगर हम बात करें एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है आगे चले, अगला प्रश्न, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस तत्व के समान है? देखो रासायनिक गुण किस पे निर्भर करता है, रासायनिक गुण के लिए आपको क्या याद करना है, आपको ये देखना है भाई मेरे कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको देख लेनी, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। अब अगर परमाणु तत्व 20 है तो क्या बनेगा इसका, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है ना, 20 बन गया, 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20, मतलब आउटर मोस्ट सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे। अब आपको इन चारों में यह देखना है कि किसमें आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बन जा रहे हैं। ठीक है भाई इतना ही चेक करना है, अब जरा चेक करना स्टार्ट करो। ये तो हो गया पहले में 2 दूसरे में 3, बन नहीं रहा है ये नहीं होगा। 26 में देख लेते हैं, तो पहले में हो गया 2 दूसरे में हो गया 8, तीसरे में हो गया 8 और चौथे में 18, चौथे में हो गया तो चौथे में भी हो गया 6, 8 और 2 10 18 18 18 और 8 26, तो ये 18 बनेगा यहाँ पर, सॉरी ये ट्रांजिशन मेटल में आ गया है, तो ये बनेगा 8 और 2 10 10 और 16, ये 16 बन जाएगा 26। ठीक है ऐसे बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं बीई, बी में कितना हो गया, पहले में 2 दूसरे में 2, ये हो सकता है, तो सी विल बी द राइट आंसर, स्कैंडियम नहीं होगा। ठीक है समझ में आ रही बात, तो सी आंसर सही बन जाएगा इसका। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, है ना, फिर 32 होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। ठीक है आगे चलें, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर होता है, उभयलिंगी पुष्प? उभयलिंगी पुष्प क्या होता है भाई, उभयलिंगी पुष्प का मतलब होता है ऐसा पौधा जिसमें मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम भी है, दोनों रिप्रोडक्शन सिस्टम है मेल और फीमेल, उसे हम कहते हैं उभयलिंगी। क्लियर है समझ में आ रहा है, उभयलिंगी मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम दोनों मिलेंगे आप। अच्छा भाई ये कौन सा होता है, गुलमोहर, पपीता, हिबिस्कस या सरसों? देखो मुझे ज्यादातर लग रहा है इसमें आंसर थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन है, पपीते में ऐसा होता है जो हर्मोफ्रोडाइट होता है, बट इसे एक बार चेक कर लेना,
ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें कंफ्यूजन है। बी आंसर सही है, ठीक है। वर्षा जुड़ी है, हेलो वर्षा, ये आपको दिखने में गुलमोहर लग रहा है तो लोग बच्चे गुलमोहर लगाए पड़े हैं, ठीक है, फिर भी आप एक बार चेक कर लें, लेकिन पपीता इसका सही आंसर बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? देखो जो पुस्तक के लेखक हैं ये भारत के बड़े मित्र मंत्री रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट संभाले हैं, तो अब बताओ कौन हो सकता है? प्रियंका सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, नटवर सिंह या फिर जयराम रमेश? इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। देखो भाई राइट आंसर बनेगा जयराम रमेश, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। अब कुछ बुक्स अभी कुछ दिनों में पूछी जा रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। अगर मैं कहूं आपसे को बताना है, यस, कल की पूछी गई है द ब्लू अम्ब्रेला, ये कल शाम के शिफ्ट में पूछा गया है सीएसएसएल में, किसकी बुक है बताएगा कोई? द ब्लू अम्ब्रेला बुक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो आंसर बनेगा हमारा रस्किन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद रखना, ठीक है। खुशवंत सिंह की द्वारा एक बुक लिखी गई है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। मेलुआ का मृत्युंजय, ये बुक लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा, इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं। एरा ऑफ डार्कनेस ये किसके द्वारा लिखी गई है? इस बुक के लिए शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 का दिया गया था, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो जयराम रमेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, उसका वेवलेंथ बढ़ाना पड़ेगा, उसकी पिच बढ़ानी पड़ेगी, या फिर उसकी आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। आवृत्ति मतलब समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी। निशु कह रहे सर पता नहीं कितने दिन तक चलेगा ये क्वेश्चन, शशि थरूर वाला, बिल्कुल सही कह रहा है, जब तक पूछा जाएगा तब तक चलता रहेगा, टेंशन ना लो भाई मेरे, ठीक है। तो देखो भाई, अगर हमें साउंड का बढ़ाना है, ध्वनि तेज करनी है, तो डेफिनेटली हमें इसकी आवाज को तभी ज्यादा कर सकते हैं जब ये वाला ऊंचाई हो, और इस ऊंचाई को क्या कहते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है इसी से साउंड कम या ज्यादा होती है, इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ए विल बी द राइट आंसर, किसने दिया है ये? नेहा ने आंसर सही दिया है और किसी ने आंसर सही नहीं दिया, सब गलत बात बता रहे हैं। किसी भी ध्वनि को तेज करना, अगर मैं कहूंगी मेरी आवाज तेज तेज आ रही, क्यों आ रही? क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अगर मैं कहूंगी मेरी आवाज धीमे धीमे आ रही, क्यों आ रही? एम्पलीट्यूड कम है। तो एम्पलीट्यूड मतलब बात हो रही है किसकी, बात हो रही है इंटेंसिटी की, और एम्पलीट्यूड बढ़ाने से ही कोई ध्वनि कम या ज्यादा होती, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी से क्या, वेवलेंथ से क्या होगा, दूर तक जाएगी वो, वेवलेंथ से क्या होगा, दूर तक जाएगी, फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, साफ आवाज आएगी। तो हर किसी का एक अलग अलग लॉजिक यहाँ पर बैठ जाता है। अच्छा, पिच से क्या होता है? पिच से आवाज पतली और मोटी होती है, ये भी आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि पतली और आवाज मोटी किसके कारण है, लड़कियों की आवाज पतली होती है, लड़कों की आवाज मोटी होती है, क्यों हो रही है? क्योंकि पिच है, अलग अलग पिच है। लड़कों का जो पिच होता है वो क्या होता है, लो होता है, आवाज मोटी है। लड़कियों का जो पिच होता है हाई होता है, तो उसका आवाज क्या, पतली है, ठीक है। हाँ, जनरली डिपेंड फ्रीक्वेंसी पे, तो हर एक चीज डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु का नाम बताइए। तो पहला जो ग्रुप है, पहला ग्रुप में आप देखोगे यहां पर है ये पहला ग्रुप, ये दूसरा आ जाता है, ये वाला जो आपको कह रहा है कि यहां पे आप देखोगे
तो एक एलिमेंट अलग से बैठ जाता है, सेट होता है अलग से एलिमेंट यहां पर, और इसकी प्रॉपर्टी फिक्स नहीं है, और ये मेटल भी नहीं है। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, उसको उसको अगर ठोकोगे तो आवाज आनी चाहिए, है ना, खींचने पर बड़ा हो जाना चाहिए, उसके तार बनाए जा सकने चाहिए, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ये सारे के सारे मेटल के गुण होते हैं। लेकिन ये जो पहला एलिमेंट है इसमें ये सारे गुण नहीं है। साइंटिस्ट बड़ा परेशान रहे कि इसको रखे कहां, मेटल में रखे, नॉन मेटल में रखे, अल्कली मेटल में रखे, कहां रखे, पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब की विचित्र प्रॉपर्टी है, एंड द राइट विल बी हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो हाइड्रोजन जो होता है वो पहली आवर्त सारणी में एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल होता है। ठीक है भाई नरेश भाई, आपके अगली बार जो है ऑप्शन भी इंग्लिश में मिल जाए, ठीक है। हार्ड हार्ड इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी, अपनी याद रखना ये भी। अच्छा, कोबाल्ट का एक आइसोटॉप होता है CO60, इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर की ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में मौजूद ये एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। दिस एंजाइम प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। दिस इज ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, दिस इज अमाइलेज, अमाइलेज, दिस इज पेप्सिन, एंड हियर इज लाइपेज। ठीक है भाई, बताओ आंसर क्या बनेगा। तो मेरे भाई आप ये देखो कि अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज में पेप्सिन तो नहीं पाया जाता है, क्योंकि पेप्सिन कहां पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है आपका स्टमक में। लाइपेज, अमाइलेज, लाइपेज कहां पाया जाता है? नीचे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अमाइलेज लार में होता है, लेकिन यहां पे लाइपेज साथ साथ में यहां पे भी होता है, है ना, पैंक्रियाज में भी होता है, ये जो है वो पैंक्रियाज में भी होता है और ये भी होता है, लेकिन यहां पे प्रोटीन को तोड़ने का कार्य कौन करता है? वो ट्रिप्सिन करता है। आपको याद रखना है, क्लियर है? ट्रिप्सिन इज द राइट आंसर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है कि हमारे स्टमक में रेनिन का क्या कार्य होता है? तो रेनिन क्या करता है कि दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है कैसिनोजेन, कैसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है कैसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अगर ज्यादा दूध को डाइजेस्ट कर ले रहे हैं तो रीजन बिहाइंड रेनिन एंजाइम के कारण है, और ये स्टमक में पाया जाता है। बूढ़े लोगों को ज्यादा मिल्क पिलाओगे उनको लग जाएगी, पतली लग जाएगी। पतली क्यों लग जाएगी? क्योंकि रेनिन खत्म हो गया। बच्चों को पिलाओगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेनिन ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि आप भी एक लिमिट तक ही मिल्क को पी सकते हैं, क्योंकि रेनिन जितना होगा उतना ही आपका मिल्क डाइजेस्ट कर पाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न क्या है कि फिनोप्थिलीन को सिरके में डालने पर ये किस कलर का हो जाता है? नीला हो जाता है, लाल हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, या फिर गुलाबी हो जाता है? तो आपने टाइट्रेशन बचपन में किया होगा, दो बूंद फिनोप्थिलीन की डालते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं, फिर चेक करते हैं, ब्लू होता है, फिर हिलाते हैं, फिर चेक करते हैं, अच्छा थोड़ा सा पर्पल आया, फिर हिलाते हैं, पर्पल कम हो गया, हिलाते हिलाते जाते हैं, और फिर धीरे 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 करके वो पर्पल भी खत्म होता जाता है, और सोल्यूशन हमारा कैसा हो जाता है? सोल्यूशन हमारा हो जाता है कलरलेस। आपने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? सी विल बी द राइट आंसर। तो फिनोप्थिलीन को सिरके में डालने पर क्या बनेगा? वो रंगहीन हो जाएगा। ठीक है भाई, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चले भाई। अगला प्रश्न, धावन सोडे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? सो विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन वॉशिंग ऑफ सोडा इज रिएक्टेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो भाई मेरे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब समझ रहे हो,
Na2CO3। इसमें अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दूं तो क्या बनेगा? तो जब भी सोडियम क्लोरीन के साथ में मिलता है ये तुरंत के तुरंत में रिएक्शन कर देता है, क्योंकि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देने की जल्दी है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेने की जल्दी है। बड़ी जल्दबाजी में है दोनों, जैसे ही दिखते हैं एक दूसरे को देखते हैं प्यार मरता है और भैया एक दूसरे से जाकर चिपक जाते हैं और बना देते हैं NaCl। क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। अच्छा, बच क्या क्या गया है? यहां पर CO3 बच गया है और हाइड्रोजन बच गया है, तो फिर बनता है CO2 और साथ में बनता है H2O, एंड दिस इज द रिएक्शन पार्ट जो यहां पर बन जाता है। तो गैस कौन सी निकल रही है? गैस मुख्य रूप से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मैंने पूरा रिएक्शन पार्ट लिख दिया। दीप्ति शुक्ला कह रहे भाई ए होगा, ए नहीं होगा बेटा, बी होगा। ठीक है, जो लोग ए आंसर दे रहे हैं वो गलत है, बी विल बी द राइट आंसर बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती है कभी, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड केवल एक ही कंडीशन बनती है, जब कार्बन को O2 की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, अनुपस्थिति में जलाया जाता है तभी केवल ये बनता है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक एक्टिनाइड नहीं है? Which of the following is not a actinide? Thorium actinide है, मैंने भी आपको बताया। Nobelium actinide है, Fermial ये actinide नहीं है, और Terbium actinide है, ये नहीं है। तो C will be the right answer। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, याद करना पड़ेगा आपको, नीचे वाला जो टर्म है ये पूरा पूरा याद करना पड़ेगा, actinide और साथ साथ में lanthanide। ओके, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर के रूप में ऊपर की तरफ फेंका गया। देखो आपस में कह रहे हैं हाई क्रिएटिव गर्ल, बेटा इधर ध्यान दे लो, समझ रहे हो नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो बेटा, ऊपर की तरफ फेंका गया, कितने सेकंड में? 12.5 सेकंड में। फाइंड द वेलोसिटी विद इट इट थ्रोन, रिटर्न द ग्राउंड इन 12.5 सेकंड, 12.5 सेकंड में वापस आ गई। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे कितने सेकंड में गई होगी? इससे आधे में। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल टू u माइनस gt, बस आंसर आ जाएगा इससे। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, u कितना हो गया? u हमारा निकालना है, माइनस g कितना हो गया? 10 हो गया, इनटू टाइम कितना लगा हमें? 12.5 अपॉन 2। ठीक है, 12.5 अपॉन 2, कितना बन रहा है यार? अगर इससे हम भाग करें तो 5 बार गया, 12 पंचे 60, लगभग 65 के राउंड बनेगा। इसमें है नहीं ऑप्शन, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने 25 के इसको डबल करके निकाल दिया, इसी को लेके निकाल दिया, 125 बना दिया, कि गलत है, इसमें ऑप्शन गलत है, क्योंकि 125 नहीं आएगा। अगर वस्तु को ऊपर फेंका गया, गेंद ऊपर गई और वापस नीचे आई, तो आधा समय लगेगा जिसने कंसीडर नहीं किया। राजेश कह रहे सर समझ नहीं आया, राजेश इसमें अगर मैं ये कहूं कि हाईएस्ट पॉइंट पर, थोड़ा मैं सही कर देता हूं इसको, मैं कहूं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वो 12.5 सेकंड में पहुंचती है, तो इनिशियल वेलोसिटी बतानी है आपको, कितनी स्पीड से उसे नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया होगा, ये क्वेश्चन है। तो भाई मेरे, हमें क्या क्या दे रखा है? हमें टाइम दे रखा है 12.5 सेकंड, ठीक है, हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। अगर वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुकेगी, और अगर रुकेगी तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी u हमसे पूछा गया है, साथ साथ में हमें एक्सेलरेशन भी दे रखा है जो कि माइनस जी है। माइनस जी क्यों है? क्योंकि जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो इतनी चीजें हमें गिवेन है। अब जरा इन सब को दिमाग में बैठा के देखो कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। तो फॉर्मूला फिट बैठ रहा है v इक्वल टू
यू माइनस जी टी, माइनस जी टी मैंने क्यों किया है, क्योंकि नीचे से वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी गई है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा। हाँ, मैच ऑप्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी भाई मेरे, अभी मैंने लिखा यहां पे, ये कितनी है जीरो, तो मैंने यहां पे जीरो रख दिया। इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी हमने यू लिख दी, माइनस जी कितना होता है, आपको सबको पता है जी की वैल्यू 10 होती है, तो मैंने यहां पे 10 कर दिया, इनटू टी कितना हो गया हमारा 12.5 सेकंड। तो यू हमारा कितना हो गया, ये भाई इधर, ये इधर आ जाएगा, तो यू हमारा कितना हो गया 10 into 12.5 एंड दैट इज इक्वल टू 120। तो ये तब होगा जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, लेकिन क्वेश्चन वो गड़बड़ था, राइट आंसर इसका जो है 125 होगा अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो, ठीक है, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनमें उनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि वो क्या कहलाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। देखो मैंने सही बनाया है, हाइड्रोजन प्रोटियम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, क्या बनेगा भाई मेरे, इसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स। क्लियर है, राइट आंसर क्या बनेगा, सम समस्थानिक, सी विल बी द राइट आंसर। हिंदी में ये हो गया हमारा समभारिक आइसोबार, ये हो गया, ये पता आइसोटोन्स है ये शायद, ये हो गया आइसोटॉप्स और ये हो गया एक्टिनाइड, ठीक है भाई मेरे। चलो तो ऑप्शन जो है वो सी एकदम इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो फिर से मैं एक बार बता देता हूं आप सभी को, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फिर से बता देता हूं। ओके, सो जो भी बच्चे फिजिक्स को एकदम बेसिकली पढ़ना चाहते हैं वो सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें, वहां पे एसएससी को सिलेक्ट करें और उसके बाद योगेंद्र सिंह सर्च कर सकते हैं। योगेंद्र सिंह सर्च करने पर आपको मेरा प्रोफाइल दिखाई देगा, तीसरे नंबर पे दिखाईगा, पहला दूसरा छोड़ के तीसरा नंबर मेरा प्रोफाइल दिखेगा, क्योंकि एक योगेंद्र सिंह चौहान भी है, वो काफी दिनों से। उसके बाद वहां पे मेरा प्लस कोर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसकी आज एक क्लास हो चुकी है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो कल से हम मोशन पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चा एनरोल करना चाहते हैं जरूर जाके एनरोल करें, जो बच्चे ऑलरेडी प्लस ले चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, सीधे जाके एनरोल करें। बहुत ही क्लास देखे आपको समझ में आ जाएगा कैसा पढ़ा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजें वहां पे समझ में आ जाएंगी। लगभग लगभग 15 घंटे में पूरी फिजिक्स में खत्म करा दूंगा एकदम बेसिक से, फिर कभी भी आपको दोबारा किसी भी तरीके की चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू और बाय बाय, देखते रहिए और बने रहिए, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे का।